हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम DTU यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती जारी हुई है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स चेक करने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, वहां से ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर सकते हैं। जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के 158 पोजीशंस को भरा जाएगा। इन पदों को भरने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से मांगे गए हैं। रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जाने, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, उसके बारे में जाने, तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में नई भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से मांगे गए हैं। यानी जो एप्लीकेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफलाइन अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट्स ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्ट डेट 18 मार्च 2024 रखी गई है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अप्रैल है। वहीं ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 अप्रैल 2024 रखी गई है। तो सभी एप्लीकेंट्स इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर, यानी ऑनलाइन में 18 मार्च से 14 अप्रैल तक, और ऑफलाइन में 18 मार्च से 24 अप्रैल तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दे, क्योंकि इस टाइम लिमिट के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल भी बंद कर दिया जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म आप 24 अप्रैल तक भर सकते हैं। रिक्रूटमेंट की एज लिमिट के बारे में जाने, यानी रिक्रूटमेंट के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है उसके बारे में जाने, तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में नई रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेंट्स के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 इयर्स रखी गई है, और उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स रखी गई है। तो जो भी एप्लीकेंट 18 से 35 इयर्स के एज रखते हैं वो सभी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 इयर्स से ज़्यादा की एज रखने वाले एप्लीकेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। एज की गणना 14 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग से बिलोंग करने वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उन्हें गवर्नमेंट रूल द्वारा जो एज लिमिट में छूटछाट दी जाती है वो भी दी जाएगी। रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फीस के बारे में जाने, यानी इस रिक्रूटमेंट के लिए जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर फीस पे करनी रहेगी, तो वो कितनी है उसके बारे में जाने, तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आने वाले एप्लीकेंट्स के लिए ₹1,000 एप्लीकेशन फीस रखी गई है। वहीं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले एप्लीकेंट्स के लिए ₹500 यानी ₹500 एप्लीकेशन फीस रखी गई है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आने वाले एप्लीकेंट्स के लिए बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। यानी पीडब्ल्यूडी में आने वाले एप्लीकेंट्स को कोई एप्लीकेशन फीस पे करना नहीं रहेगा। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट आपको ऑनलाइन तरीके से करना होगा, जिसके लिए आपको नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा का यूज करना रहेगा। अब जानते हैं रिक्रूटमेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी रिक्रूटमेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है उसके बारे में जाने, तो दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के रिक्रूटमेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित क्षेत्र में PG प्लस PhD या नेट या SLET या फिर ST रखी गई है। यानी जो भी इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरह
पीजी पास होने चाहिए, साथ ही उन्होंने पीएचडी किया हुआ होना चाहिए या फिर नेट किया हुआ होना चाहिए या फिर एसएलईटी किया हुआ होना चाहिए या एसटी किया हुआ होना चाहिए तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से मांगे गए हैं और इस रिक्रूटमेंट के लिए जिन एप्लीकेंट्स को नहीं पता है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में, तो वहाँ वो एप्लीकेंट्स हमारे बताए ये स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेंट्स को रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट हम वीडियो की लास्ट में आपको बताएंगे, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं। फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया होगा पीडीएफ फाइल से, तो वो पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, अच्छे से पढ़ लेनी है। सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लेने के बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशंस रिक्रूटमेंट की क्वालिफिकेशन से मैच कर रही है और आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसमें मांगी गई संपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, आपकी एज, आपका क्वालिफिकेशन से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ऐसे सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है होगी, तो आपको वो सब कुछ सही सही भर लेनी है। फिर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए होंगे वो आपको अपलोड कर देने हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने हैं तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल लेनी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से, और फिर उसमें ये सारे इन्फॉर्मेशन भर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देने हैं, साथ ही फोटो, सिग्नेचर, ये सब कुछ भी अपलोड या अटैच कर देने हैं। फिर सब कुछ अच्छे से भर लेने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, और फिर सबमिट करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी रहेगी। तो आप जब एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लेनी है ताकि इन फ्यूचर वो आपको काम आ सके। जानते हैं अब रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.dtu.ac.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये है इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लिया हुआ है। इसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही हमने वीडियो में सारी डिटेल्स बताई हैं, तो आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लेना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हमारी बताई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही होगी, और इफ़ यू लाइक आर वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।